गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊं, हेडिंग डाल लेंगे बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सन, ये रहा सन और ये रही अर्थ है ना। सन से अर्थ तक जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, वो सभी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की हैं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड की हैं, बट दे ऑल ट्रेवल विद द सेम स्पीड। मेरी बात नहीं समझे? सन से अर्थ तक जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, सन से अर्थ तक है ना, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ की है, डिफरेंट वेवलेंथ की है बच्चों, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की है। द ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बच्चों, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है बच्चों, डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, बट दे ट्रेवल विद सेम स्पीड और वेलोसिटी है ना। और आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की स्पीड से मूव करती है। यह आपको अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो होती है 3×10^8 m/s। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, 3×10^8 m/s। मैं बताना चाहता हूं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सन से अर्थ तक पहुंच रही है, वो सभी डिफरेंट वेवलेंथ की हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड की हैं, बट दे ऑल ट्रेवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, फ्रीक्वेंसी बराबर सी अपॉन लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो न्यू है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। और ये वेवलेंथ है, बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। आप लोगों ने समझा कि सन से अर्थ तक जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कर रही है, दे ऑल ट्रेवल विद द डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वेवलेंथ, बट दे मूव विद द सेम स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब इस पर हम एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, हम लोग इसके ऊपर एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस करेंगे, देन वी प्रोसीड फर्दर। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट बोल लो, लाइट से ज्यादा बेहतर वर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलो, है ना। लाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, सही है, ज्यादा बेहतर वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द विजिबल स्पेक्ट्रम उसकी जो वेवलेंथ है वॉयलेट 400 nm टू रेड 750 nm। एक विजिबल स्पेक्ट्रम जो स्प्रेड हो रहा है 400 nm से 750 nm तक बच्चों, 400 nm से 750 nm तक, प्लीज नोट करना बच्चों, मैं एक मिनट में मारता हूँ, सही करूँ, 400 nm और 750 nm। सुना बच्चों, विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड
एक्सटेंड लिख लो यहां पर, एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट टू रेड. अब एक्सप्रेस एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना. यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट मीटर कंप्लीट एनसीईआरटी, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. आप लोगों ने देख लिया होगा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं. प्यारे बच्चों एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी. विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सटेंड हो रहा है वायलेट टू रेड, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हम लोगों को दे रखी है, इसको एक्सप्रेस करना है हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बच्चों, इसको एक्सप्रेस करना है हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में, इसको एक्सप्रेस करना है हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में. तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप वायलेट की फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए ना, वायलेट टू रेड की हमें फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. अब हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा. सी क्या होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. तो लैम्डा भी किसमें होना चाहिए, मीटर में. तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 750 नैनोमीटर. इसको नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये बन जाएगा 400×10^-9 मीटर. ये बन जाएगा 750×10^-9 मीटर. अब इसको एक्सप्रेस कर लो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में. तो फ्रीक्वेंसी बराबर c अपॉन लैम्डा, तो 3×10^8 डिवाइडेड बाय 400×10^-9. तो वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी आएगी बच्चों वो आएगी 7.5×10^14 हर्ट्ज. टू रेड, रेड की कितनी होगी, 3×10^8 750×10^-9 और ये हो जाएगी 4×10^14 हर्ट्ज. 4×10^14 हर्ट्ज. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम वायलेट टू रेड और इनको वेवलेंथ के टर्म्स में आपने बता रखा है, एक्सप्रेस दीज लैम्डास इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो आपने इसको एक्सप्रेस कर लिया बच्चों. एक और क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, नोट कर लो. ये वायलेट की फ्रीक्वेंसी है, ये रेड की फ्रीक्वेंसी है, कोई डाउट? ये वायलेट की फ्रीक्वेंसी, ये रेड की फ्रीक्वेंसी है. बच्चों नोट किया क्वेश्चन, आंसर सॉल्यूशन नोट कर लो अच्छे से. बच्चों नोट कर लो बहुत अच्छे से. बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, एक येलो रेडिएशन है, एक येलो रेडिएशन है हैविंग वेवलेंथ, एक येलो रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉम. यू ऑल नो दैट आई थिंक एंगस्ट्रॉम क्या होता है. क्वेश्चन नंबर टू, एक येलो रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वेव नंबर एज वेल एज फ्रीक्वेंसी. हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वेव नंबर एज वेल एज फ्रीक्वेंसी. कोई येलो रेडिएशन है जिसकी हम लोगों को वेवलेंथ दे रखी है, हम लोगों से पूछ रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और उसका वेव नंबर कितना होगा. मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आप लोग इसको समझ के करिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से करिएगा. आपको मैं बता दूं जो वेव नंबर होता है बच्चों वो होता है 1/λ. 1/λ करेंगे तो 1/5800 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर. तो ये आ जाएगा, आई थिंक मैंने जो सॉल्यूशन किया उसमें आ रहा था ये 1.72×10^6 पर मीटर. इस रिजल्ट को अगर मैं पर सेंटीमीटर करूं तो ये आ जाएगा 1.72×10^ पर सेंटीमीटर. बोलो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था. वेव नंबर बराबर होता है 1/λ. मैंने पहले इसको पर मीटर में निकाला है, देन पर सेंटीमीटर में निकाला है. सेकंड पार्ट आपसे बहुत आसान पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो c अपॉन लैम्डा, c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3×10^8
लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर दो मीटर में, 10^-10। मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा 5.172 इंटू 10^14 हर्ट्ज। नोट कर लो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन था। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों स्कूल एग्जाम में। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी को मैं दिए गए हैं, आप लोग इनको बड़े आराम से नोट कर सकते हैं बच्चों। हम लोगों ने, मैं एक चीज और बता दूं, हम लोग यहां पर जो मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर की बात करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा एनर्जी किसके फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो मीडियम का सहारा लेती है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करने के लिए, और वो सहारा क्या है, वेव के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर मैं वेव नेचर की बात करूं तो उसका मेन कंसेप्ट क्या है, जो इंटेंसिटी है, एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी की, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। ये इसका मेन कहना था, मतलब वेव नेचर के बारे में अगर आप बोलें एक वर्ड में, तो वेव नेचर ये कहता था किसी भी वेव की जो एनर्जी है वो उसके इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, और उस वेव की जो इंटेंसिटी है वो उसके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड वेव थ्योरी क्या कहती थी, जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं, ये बात आप लोगों को मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी, मेरे जितने बच्चे 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। ओल्ड वेव ने बेचा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है वो क्या कहता था, वो कहता था जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के। जब आगे जाके आप पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, तो उसमें आप पढ़ेंगे जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है लाइट की फ्रिक्वेंसी के। ये चीज का मेजर डिफरेंस है बच्चों, ये बच्चों को कम मालूम होता है कि व्हाट इज द मेन कंसेप्ट। अब बच्चों हम लोग एक सपोज कर रहे हैं, मान लो सपोज कर रहे हैं कि ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म वो एक डिवाइस है जो सेपरेट करता है दो लाइट रे को। ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर आप दो लाइट रे किसमें ट्रेवल करती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये दो लाइट रे है जो कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, λ1 और λ2। प्रिज्म वो डिवाइस है जो इनको सेपरेट करेगा, प्रिज्म इज अ डिवाइस विच सेपरेट देम, प्रिज्म इज अ डिवाइस विच सेपरेट देम, प्रिज्म इज अ डिवाइस विच सेपरेट देम। बहुत इजी कंसेप्ट समझा रहा हूं, आपको समझ में आएगा बच्चों। प्रिज्म वो डिवाइस है जो सेपरेट करेगा इनको, लाइट रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ये दो लाइट रे हैं जो एक सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं और इनकी वेवलेंथ अलग अलग है। तो प्रिज्म क्या करता है बच्चों, प्रिज्म इनको एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट कर देगा, प्रिज्म एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट कर देगा इनको, प्रिज्म इन लाइट रे को एक पर्टिकुलर एंगल से क्या कर देगा बच्चों, डेविएट कर देगा। और ये जो पर्टिकुलर एंगल से जो डेविएट करेगा, इसने दोनों लाइट रे को डेविएट कर दिया पर्टिकुलर एंगल से, प्रिज्म डेविएट द लाइट रे, प्रिज्म क्या करता है बच्चों, डेविएट करता है लाइट रे को विद अ पर्टिकुलर एंगल विच डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ। प्रिज्म क्या करता है, इन लाइट रे को एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करता है, और ये जो कितने एंगल से डेविएट किया है ये बात डिपेंड करेगी उनकी वेवलेंथ पर बच्चों। ये लाइट रे कब सेपरेट नहीं हो पाएंगी, जब ये इन दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, क्योंकि फिर एंगल ऑफ डेविएशन भी सेम होगा। मेरी बात नहीं समझ रहे, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म वो डिवाइस है जो दो लाइट रे को सेपरेट करता है, दो लाइट रे को डेविएट करता है एक पर्टिकुलर एंगल से, और वो एंगल ऑफ डेविएशन उनकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। अगर उनकी वेवलेंथ अलग अलग है तो वो एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा, और वो दोनों लाइट रे क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। बेटा मैं एक चीज और बता दूं, चाहे लाइट रे कितनी भी
कितने भी कम एंगल से डेविएट होंगी फिर भी ये आगे जाकर क्या हो जाएंगी बच्चों, सेपरेट हो जाएंगी। जैसे जैसे ये आगे जाएंगी ये सेपरेट हो जाएंगी, चाहे कितने भी कम एंगल से बच्चों डेविएट करे ये लाइट रे आगे जाकर क्या हो जाती है बच्चों, सेपरेट हो जाती है। तो प्रिज्म वो डिवाइस है जो इन दो लाइट रे को क्या करता है, सेपरेट करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि दो लाइट रे कब सेपरेट नहीं हो पाएंगी, जब दोनों लाइट रे की वेवलेंथ सेम होगी। जब दोनों लाइट रे की वेवलेंथ सेम होगी तो ये लाइट रे दोनों क्या नहीं हो पाएंगी, सेपरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, अगर इन दो लाइट रे की वेवलेंथ अलग अलग है तो प्रिज्म इनको एक अलग अलग एंगल से डेविएट करेगा और वो एंगल इनकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। बच्चों मेरी बात समझ गए, इस पॉइंट को जरा आप नोट करिए बहुत अच्छे से। प्रिज्म चाहे कितने भी कम एंगल से डेविएट करे बट ये लाइट रे आगे जाके बच्चों कितने भी कम एंगल से डेविएट करे, मानो बहुत कम एंगल से डेविएट किया, आगे जाके ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। कितने भी कम एंगल से डेविएट करे फिर भी ये लाइट रे आगे जाके क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। लेट अस कंसीडर बच्चों, आगे नोट करो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों प्रिज्म जो होता है वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे को, अभी मैं समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रिज्म हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करता है, एंड दिस एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ। प्रिज्म हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करता है और वह एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ पे। इस तरीके से हम दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेपरेट कर सकते हैं, नोट करो बच्चों, प्रिज्म क्या करता है, जो दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ अलग अलग है, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उनको एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करेगा और वो एंगल ऑफ डेविएशन उनकी किस पे डिपेंड करेगा, उनकी वेवलेंथ पे। अगर उनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी तो उनका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा, जिसकी वजह से वो दोनों क्या हो जाएंगी बच्चों, सेपरेट हो जाएंगी। नोट करो, प्रिज्म हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक एंगल से डेविएट करता है, दिस एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ। प्रिज्म हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डेविएट करता है बच्चों, और वो एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। प्रिज्म हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करता है, जिसके बेसिस पर हम दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेपरेट करते हैं। प्रिज्म हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेटा उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करता है। बोलो, प्रिज्म जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं इसमें, एक एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किस पे डिपेंड है, वो उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड है बच्चों। ये मान लो एक प्रिज्म है, ये बच्चों एक प्रिज्म है, और ये मैंने एक क्या ले रखी है, एक फोटोग्राफिक प्लेट ले रखी है, और ये इस बार बच्चों मैं सनलाइट डाल रहा हूं। सनलाइट के अंदर आपको बहुत अच्छे से मालूम है, सनलाइट के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मालूम है, सनलाइट के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों, प्रिज्म क्या करता है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करता है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, बच्चों ये किस पर डिपेंड करता है, इज डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ, बोलो बच्चों, ये एंगल ऑफ जो डेविएशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी वेवलेंथ पर।
अब प्रिज्म क्या करता है, इन सभी को एक पर्टिकुलर एंगल से क्या करता है, डेविएट करता है। बच्चों इस तरीके का डायग्राम बनेगा, तो एक फोटोग्राफिक प्लेट पर एक पैटर्न ऑब्टेंड होगा बच्चों, एक रेगुलर पैटर्न ऑब्टेंड होगा फोटोग्राफिक प्लेट पर, क्योंकि ये देखो एंगल ऑफ जो डेविएशन है ना, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पर। तो ये जो अरेंजमेंट है ये मान लो किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है बच्चों। ये ऑर्डर जो होगा ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा। क्यों ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा समझ में नहीं आया, ये बच्चों ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, बच्चों ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा। बताओ क्यों ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, क्योंकि जो प्रिज्म है वो उनको डेविएट कर रहा है जो पर्टिकुलर एंगल से, वो एंगल किस पे डिपेंड करता है, उनकी वेवलेंथ पर। तो ये डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं हो सकता, ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा वेवलेंथ का, ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा वेवलेंथ का। मान लो मैं ये कह रहा हूं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, तो ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में, ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वेवलेंथ्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ का ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ये डिसऑर्डर्ड नहीं हो सकता, ये रैंडम ऑर्डर नहीं हो सकता। उसका रीजन है एंगल ऑफ डेविएशन जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है वो उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो जिसका एंगल और जिसकी, मान लो ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम वेवलेंथ वाला ऊपर होगा, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी वो नीचे होगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी वेवलेंथ के बेसिस पर सेपरेट आउट करते हैं और ये एक पैटर्न मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चों सोलर स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसी को बोलते हैं सोलर स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझो, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सनलाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं, तो सनलाइट के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, तो प्रिज्म उनको उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करता है। तो जिसका, मान लो अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मिल रही है, तो जिसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। मेरी बात समझो बच्चों, ये कहानी है। अगर मान लो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मिल रही है, तो ये डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या सोलर स्पेक्ट्रम। पहले आप इस बात को समझो, इसी को बोला जाता है सोलर स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों ये वेवलेंथ का एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ना कि एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्यों है, क्योंकि इनका एंगल ऑफ डेविएशन किस बात पर डिपेंड कर रहा है, वो उनकी वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इनका एंगल ऑफ डेविएशन किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इनकी वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है। चलो बच्चों हम एक और पॉइंट समझने जा रहे हैं इस डायग्राम को थोड़ा बेहतर तरीके से, इस बात को हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझने जा रहे हैं। बच्चों बात यह है, अगर मैं प्रिज्म का इस तरीके का एक डायग्राम बना दूं और ये मैं एक फोटोग्राफिक प्लेट ले लूं, ये बच्चों मैं इसके ऊपर क्या डाल रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल रहा हूं, सनलाइट डाल रहा हूं। इस तरीके से आप डायग्राम बनाइएगा, समझ में आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यह है सनलाइट है ना। यह क्या करेगा प्रिज्म, इनको एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करेगा। प्रिज्म क्या करेगा बच्चों, इनको एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करेगा। जो सबसे पहले जो रेज मिलेंगी सबसे कम वेवलेंथ की वो होंगी कॉस्मिक रेज। इनकी जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो पिकोमीटर में होती है, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। उसके बाद जो वेवलेंथ्स मिलेंगी बच्चों, लाइंस ये वेवलेंथ मिलेगी, ये कहलाएगी गामा रेज की बच्चों।
फिर जो वेवलेंथ मिलेंगी वो बच्चों होंगी एक्सरेज की, और एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में होती है। फिर जो मिलेंगी बच्चों ये वाला जो लिखा है ये क्या लाएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट। इसके बाद जो बच्चों मिलेंगी वो कहलाएंगी विजिबल रेज। इसके बाद जो मिलेंगी वो कहलाएंगी बच्चों इंफ्रारेड। इसके बाद जो मिलेंगी वो कहलाएंगी माइक्रोवेव्स। इसके बाद जो मिलेंगी वो कहलाएंगे रेडियो वेव्स। एंड दिस पैटर्न इज नोन एज बच्चों, एंड दिस पैटर्न इज नोन एज बच्चों, दिस पैटर्न इज नोन एज सोलर स्पेक्ट्रम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस यहां पर वेवलेंथ मिनिमम है, यहां वेवलेंथ मैक्सिमम है, यहां फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, यहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। बच्चों जो रेडियो वेव्स होती है ना, इन वेव्स की जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो एक एक किलोमीटर में एक वेव बनती है। बच्चों एक किलोमीटर या दो किलोमीटर के अंदर एक वेव बनती है, ये सोचें आप कितनी लंबी वेव्स होती होंगी। रेडियो वेव जो होती है वो एक दो किलोमीटर में सिर्फ एक सिंगल वेव, इनकी जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो एक से लेकर दो किलोमीटर तक होती है, इतनी लंबी वेव है। मतलब एक वेव कितने में होगी, 1 किलोमीटर डिस्टेंस में, वो वेव्स कहलाती है रेडियो वेव्स। बच्चों हमारी जो आईज होती हैं उनकी एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ विजिबल रीजन को देख सकती है बच्चों, वो सिर्फ विजिबल रीजन को देख सकती है। और विजिबल रीजन कहां से कहां आता है बच्चों, वॉयलेट, इंडिगो, विब्रियो, GYOR, जिसमें वॉयलेट की जानते हैं फ्रीक्वेंसी, वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी होती है 400 नैनोमीटर या 350 नैनोमीटर, किताब में आप एनसीईआरटी में दे रखा है 350 नैनोमीटर। और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 750 नैनोमीटर। बच्चों हमारी आईज जो है ना, हमारी आईज जो है वो सिर्फ 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक को ही देख सकती है, इनके लिए ही सेंसेशन प्रोड्यूस करती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा हमारी आईज कितनी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख सकती है, 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को देख सकती हैं हमारी आईज। यही हमारी आईज में सिर्फ सेंसेशन क्या कर सकते हैं, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतनी वेवलेंथ की हमारी आईज पर क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा वेवलेंथ की हो कम वेवलेंथ की हो हमारी आईज को सेंसेशन प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इनका नाम रखा गया विजिबल रेज, विजिबल रेज में विबग्योर, वॉयलेट से लेकर रेड तक। अब मैं आपको बता दूं इंफ्रारेड नाम क्यों रखा गया बच्चों, इंफ्रारेड नाम क्यों रखा गया समझ में आया। सनलाइट को जब आपने प्रिज्म से पास किया तो उसने इन वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट किया, सही, और वो एंगल ऑफ डेविएशन इनकी वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल था, तो सभी सेपरेट हो गई। तो जिनकी वेवलेंथ सबसे कम आई वो कहलाई हमारी कॉस्मिक रेज, और जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा आई वो कहलाई बच्चों रेडियो वेव्स। और हमारी आईज जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है, इन्हीं को नाम दिया गया विजिबल रेज। अब मैं आपको बता दूं अल्ट्रा वॉयलेट नाम कब रखा गया, वॉयलेट से जिनकी वेवलेंथ कम होगी, वॉयलेट से जिनकी वेवलेंथ कम होगी
वॉयलेट से जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनका नाम रखा गया अल्ट्रा वॉयलेट, और इंफ्रारेड किनका नाम रखा गया, जिन रेड से ज्यादा जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, रेड से जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उनका नाम रखा गया इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड किनका नाम रखा गया, रेड से जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उनका नाम इंफ्रारेड, और वायलेट से जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनका नाम अल्ट्रा वायलेट। वायलेट से जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनका नाम अल्ट्रा वायलेट, और रेड से जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उनका नाम इंफ्रारेड। बच्चों हमारी अर्थ जो है, मैं इसको रफ कर दूं, हमारी अर्थ जो है, हमारी ओजोन लेयर जो है, हमारी ओजोन लेयर जो है वो इन तीन रेस को हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देती। हमारी ओजोन लेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारी ओजोन लेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ओजोन लेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। इन तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, कॉस्मिक रेज, गामा रेज और एक्स रेज को हमारी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। बच्चों ओजोन लेयर हमारी इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज को, इनको अर्थ के सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देती। रफ कर दूं बच्चों, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं, जैसे वेव लेंथ है, जैसे एम्पलीट्यूड है, जैसे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बच्चों विजिबल जो हम मान लो ये हमारी आई का एक रेटिना है बच्चों, है ना, यहाँ पर बच्चों सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर्स। अगर आप इस पर विजिबल लाइट डालेंगे, अगर आप इस पर विजिबल लाइट डालेंगे, विजिबल रे है ना, अगर आप इस पर विजिबल रे डालेंगे तो ये जो सेंसर्स हैं, ये जो सेंसर्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे मतलब एक्टिव हो जाएंगे। पर अगर ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये किसको भेजेंगे, सिग्नल भेजेंगे ब्रेन को, ब्रेन को क्या भेजेंगे, सिग्नल भेजेंगे, ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, और ब्रेन को अगर सिग्नल भेजेंगे तो हमको ये सेंसेशन प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेंसेशन प्रोड्यूस करेंगे, ये हमको दिखाई देती है। बट अगर आप यहां पर अल्ट्रा वायलेट रेज डाल देते हैं तो वो इन सेंसर्स को बर्न कर देंगे, तो ये फिर ये सेंसेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, नर्व सिग्नल, ये सेंसर सिग्नल ही नहीं भेज पाएंगे ब्रेन को, जिसकी वजह से हम लोगों को अल्ट्रा वायलेट नहीं दिखती। समझ रहे हैं ना मेरी बात, अगर आप विजिबल रे डालोगे 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक की, तो वो हमारे रेटिना के सेंसर्स को स्टिमुलेट करेंगे, वो सेंसर इंफॉर्मेशन भेजेंगे ब्रेन को, जिसकी वजह से हमारी आईज पर सेंसेशन प्रोड्यूस होगा। बट अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट डालेंगे तो वो इनको क्या कर देंगे, जला देंगे इन सेंसर्स को, तो कोई सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड भी उनके यहाँ सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, बट हमारी आंखें सिर्फ विजिबल रे को देख सकती हैं, जिनकी वेवलेंथ 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विजिबल रेज की वेवलेंथ कहां से कहां होती है, बताओ, विजिबल रे की जो वेवलेंथ है वो होती है 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, या फिर आप इसको कह सकते हैं 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस खत्म हो गया बच्चों, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों, ये टॉपिक आप इसे नोट कर लें, ठीक है, इसके नोट्स बना लें। मैं अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, थैंक यू बच्चों।